पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली है। 1947 में जो स्वतंत्रता देश को मिली थी वो भीख में मिली थी। इस बयान के बाद हर तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री की आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने आज मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाने में कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सचिन चौधरी ने कहा कि ये सीधे तौर पर देश को आजाद करवाने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का अपमान है। देश को आजाद करवाने में कांग्रेस के भी लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। हम कंगना रनौत के इस बयान की घोर निंदा करते हैं और FIR दर्ज इसलिए करवाई है कि इस जैसे देशद्रोही को तुरंत जेल में डाला जाए। सचिन चौधरी ने कंगना रनौत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा में काम करती हैं और 2014 में भाजपा की सरकार बनी तब भी देश आजाद हुआ, ये कहकर वो विशुद्ध रूप से भाजपा की चाटुकारिता में लगी हुई है। भाजपा ने पद्मश्री देकर इसी चाटुकारिता का इनाम उन्हें दिया है। शिकायत ये है, एक कंगना रनौत है, हीरोइन है, वो बॉलीवुड में काम करती हैं, बीजेपी में काम करती हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उस पर आपत्ति है हमें। उन्होंने बोला है कि आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली, जबकि आज़ादी में हमारे लाखों सैनिक शहीद हुए हैं, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। बहुत मेहनत से ये आज़ादी हमें मिली है, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। जल्दी से जल्दी ये पुलिस से मांग करते हैं, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे आतंकवादी सोच के लोगों को जो एक पार्टी के साथ बंद कर पद्मश्री ले लेते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाए और इनकी फिल्में ना देखी जाए। मैं तो ये भी अनुरोध करूंगा सब लोगों से। जो तहरीर दी आपने, क्या मुकदमा कायम कराने के लिए दी है? जी हाँ, मुकदमा कायम कराने के लिए दी है, ये कंगना रनौत के खिलाफ दी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।